अरे जरा अरे हराम खोर, जब वो भी मलवा ली मेरी रिवाल्वर ले लिया तो तुम क्या कहते हो हराम खोर कि मारी साले छिनरा। अला हराम खोर, बातें उधर कर रहा था, इशारा हमारी तरफ मारी से। कौन है? एक तो आकर साला काम में दखल दे दिया और बीच में तुम कहते हैं मारे से। देख छोड़ इन बातों को, देख जो बात वहां हुई और ये बात अपनी भाभी के समक्ष नहीं बोल रहा। इसे तुम अपना मुंह नहीं खोलना, अगर मुंह खोल दिया तो समझ लो कल्याण नहीं है। चुप रहा यार, इतना की बात कहूं भौजी बताओ तो चुपचाप रहना, मुंह नहीं खोलना। अरे हराम जादे, अगर तेरा मुंह खोला तो मैं तेरे मुंह में साले गोली मार दूंगा। मौत तुम्हारी होगी। क्या हुआ, पहली बार देख रहा क्या? स्वामी जी क्या कह रहा है? ठीक है स्वामी जी, मैं आपके पास आई हूँ आपसे कुछ कहने के लिए। क्या जान गए रे? हाँ कौन सी बात है स्वामी जी, क्या कह रहा है? अभी तक नहीं पागल था, पागल हो गया। स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की। कौन सी बात है? हाँ कौन सी बात है? दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, समझ लीजिए। सुनिए स्वामी जी, आपसे कहना कुछ चाहती मगर मेरी हिम्मत पड़ती लगी, आपकी बगिन चाहती चाहती हूँ कि आपकी बहन चांदनी सयानी हो गई है, क्यों ना उसकी शादी कर दो, अपने ससुराल चली जाए। अच्छा पी बहुत अच्छा सोच रहे तुम। तब ये सब कैसे अपने दिल में सोचा कि हम चांदनी की शादी कर देंगे? अरे सोचिए कि कौन सी मेरी सगी बहन है और हम उसकी शादी करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा, ये भी तुमने सोचा है? उसके लिए जमीन बेचूंगा। मैं मानती हूँ आपकी सगी बहन नहीं लेकिन दुनिया वालों की नजर में आपकी बहन है,
मान लीजिए सहनी हो गई कहीं गलत पैर उसके उड़ गए तो हमारी तो नाक रह जाएगी कट जाएगी। किसकी बात कर रहा है? बहुत जने हैं दुनिया में ब्याह के बाद हियां हुआ मरा थी। जैसे तू मर रहा है। होंगे जो होंगे लेकिन मेरे देवता ऐसे नहीं। अरे जहाँ हमारी लक्ष्मी जैसे पत्नी है तो क्या जरूरत है बे? लक्ष्मी नहीं स्वामी जी, महालक्ष्मी बोला करो। हाँ हाँ महालक्ष्मी। तेरे को तुमको लगता होगा उनको नहीं। क्या रे? ये देखो शादी ब्याह का जगह छोड़िए, जिस तरह वो नौकरानी बनकर रह रही है उसी तरह से रखो शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दो। ये ना सोच पाई हूँ देखो लक्ष्मी जी तुम्हें हो दिमागदार तुम्हें कौन जो ये खाली वही खर्चा लगाओ जरा जो पैसा ना लागे कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ कि पैसा ना लागे रास्ते से हट जाए तब तो मान जाए। मेरे पास फ्री का जुगाड़ भी लेकिन ये भैया अगर अगर मान जाए तब तो ठीक है। काहे मनिए काहे न मनिए तो वही बात तो खोदी। कौन सी बात ये बार बार मार रहा उधर को डायलॉग क्या बात है? अरे ये पागल है इसकी बातों पे तुम मत आइए। बोलो तुम कहना क्या चाहती हो? स्वामी जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे बोलो तो यार क्या कहना चाहती हो? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ बुरा तो नहीं मानेंगे। अरे नहीं यार बस कर भाई यार आपको नसीब आए तुम्हारे हिलने लाग। अच्छा तब मरे जा रहे हैं। बोलो स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। अरे बाप रे तिथियान हो साले अराब खोर। अरे तुम क्यों देखते हो? अरे तुम उधर को देखो मैं अपनी बीवी से ऐसे कर रहा हूँ तुम क्यों देखते हो? तुम क्यों देखते हो? मत देखो उधर देखो। बोलो बोलो तुम। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उन अपनी बहन को आप बुरा मान जाए क्या बात है बड़ा मस्कर। अल्लाह राम कुर अरे कुरकुरी पकड़ रखे जाओ उधर पेड़ में लड़ा दो अपनी खोपड़ी। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उन अपनी बहन चांदनी को किसी बुरा मान जाए। अरे बोलो तो जानी किसी रंडी के कोठे बेच दो। बुरा मानने का समझाओ तेरे अपनी भैया। सही कहा तू ये तो अगर मेहराब सबका नसीब नहीं ये तुम्हारा नसीब है तोरे हिलने लाग है। देखो ये बात सही कह रही है अगर शादी ब्याह के लफड़ा में पड़े हो जे ससुर चले नहीं पाओ तो वो आजकल गाली मांगत महाओ दौलत लागी रंडी कोठे पे जो महाओ दौलत तुमका मिल जाए। बहन तुम्हारी खूबसूरत है कौन सा किया है हमारा हो तो हम कबेल भी है छाई दिया। और कोई पूछे बता दे कि शादी करते ससुराल में चली गई थी यो लॉकडाउन में ब्याह करे ने उतर दिए कि नंबर ही नहीं रहा। कोई समझिए मेरे देवता देवी बात सही कह रही है वाकई में बात सत कह रही। ऐसी पत्री कहाँ मिलेगी इतनी दिवाकी है वाकई में भी तुमने ऐसी तरकीब निकाला है। इसका मतलब है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। वाह भाई पत्नी हो तो हमारी लक्ष्मी जैसी और पति हो तो मेरी देवता जैसा का कुबेर जैसा। लेकिन शेरू ये बताइए कि रंडियों को कोठा तो मैं नहीं जानता हूँ तुम जानते हो? तमाम रंडी कोठा हम जानी कौन सी रंडी और कहाँ की है जो सौदा कर सकती है? रंडी तो बहुत है लेकिन एक रंडी है जो आपकी बहन को काफी महंगा खरीद सकती है। कौन है वो? चमेली बाई। क्या चमेली बाई कहाँ की है? अब ये काम नहीं है तुमको हम पहुँचा दिए बनता बिगर पता है कि चलो हम बेचेंगे हमारा काम। चलो ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम चमेली भाई के कोठे पे चलते हैं और सादा पक्का करते हैं। स्वामी जी जाते रहो लेकिन कम दाम में मत सौदा कर देना।
अरे इतना नादान नहीं हूँ, चमे घाटे का सौदा करूंगा। मैं जा रहा हूँ और सौदा पक्का करके बहुत ये खाली हुई ऊपर पर फहराज पाले पारी होती तो फिर हम कहा बचाई मरी जाए तो इधर पाले पारी हाँ तो पक्का है तुम मैं ये कह देना तो वही मर जाते हैं तो वही हाँ हाँ वो आई जाए तेरू हाँ एक काम करो तुम अपने भैया के साथ में जाओ जाओ तो हम का है हमें तो जाओ तुम जाओ अपने भैया के साथ में और वहाँ जा रहे हैं कोठे पर वहाँ पे गंदी गंदी लड़कियाँ रहती बहुत गंदावा कर रही अरे बदबू देने की बात नहीं कर रही यार देखो वहाँ ऐसी वैसी लड़कियाँ रहती है उनको देख करके कहीं इनकी निगाहें बदल जाए बदल सकते है ना अगर वहाँ कुछ करते है तो आकर मुझसे खबर करना पक्का बताओ और पैसे कम दाम में मत सौदा करना चांदी खूबसूरत है जाओ तुम यहाँ रोज छोरो बहन बिटिया मिली भी वहाँ नहीं बताने ने मारो ठीक है मैं जा रही हूँ जैसा होता अगर भैया का तो हम मना ले लेकिन हम न मान पाऊ अब इस तरह के सीन देखा हो खोपड़ी हमारा खराब क्यों तेरी बीबी कहाँ चली गई वह तो नैहरे में पड़ी मैके में हाँ झगड़ा चल रहा है अरे तो जाके उसको ले आना गई नहीं दो तीन बार ना आई अरे झगड़ा चल रहा तो क्या हुआ उसके हाथ पैर जोड़ के लाके उसको बैठा अपने मैके अरे हम होके गोरन गिर पड़ा हुआ ना आई हमका लागत है हुए कौनो से फांसी है इसका मतलब कनेक्शन कहीं और है उसका हा? बिजली के बिल हम भर रहे हैं 5,000 लेकर जाओगे कोठे मौज मस्ती करो सारा पैसा लुटा के चले आओगे का करी बताओ हमारा जीव खराब है अरे राम रे अरे राम रे तुमसे ज्यादा हम मर रहे हैं ऐसी मुसीबत में डाल देते 5,000 रुपए का सवाल है देखो पैसा खर्चा मत करना तुम्हारे भैया न रहे ना मौका निकाल के आ जाना अभी तो भाभी जिंदा है क्यों रे साले पागल जब मैं तुझे बुला के मेरे साथ में आओ तो तुम यहाँ हमारी बीवी से क्या बातें कर रहे हो हराम घोर अच्छा जब मैंने कहा तुम मेरे साथ में आओ तो तुम यहाँ क्यों रुके क्यों इसे रोका तुमने स्वामी जी मैं इसलिए रोकी तुम तो जानते हो मेरे देवता तो जानते हो आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता मैं सिर्फ बस कह रही थी अपने भैया को साथ में लेकर बहुत जल्द आना तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो लक्ष्मी पे नहीं नहीं कि साले कुबेर पे हमें विश्वास नहीं होता है क्योंकि ये साला ने छोटा है जब मेरे सामने इसके शरीर में कुरकुरी पकड़ती है तो ना रहने पे क्या होगा और तब तब इसे क्यों याद रखो दोबारा मिल गए तो दोनों को मारूंगा अरे तेल तेल चल इधर दोबारा मिल गए साले काट डालूंगा तुमको हम चल देखो हमार तुम्हार तय है इनके चक्कर में ना नहीं नहीं देखो इनके चक्कर में ना जो उन बात होई गई तो होई मरवा नहीं है तुम वो इसे अब मौतें होई हमारा वो कहो तुम का ना मरे दे यहाँ लेके भौजी बहुत हम परेशान जो चिलगुहार बचारो ने भैया को मालूम होगा तो मारेंगे दोनों लोग बैलान हो हाँ वो देखो मैं जा रही हूँ जब लौट के आओगे ना तब बुलाऊंगा तुमको बताओ वाली बात आका जिंदगी में कोई ना बताओ जैसे अजगर मेघालील के निकल जाए वो सनकब ना जिंदगी में
चलो वापस आओ या तो तुम्हें मर जाए या तो मैं आदि भगवान जी का दे दी छप्पर फाड़ के दिए थे हमका तो घर है उछाल के दे रहे पैसों मिल रहा व्यवस्था मिल रहा ऐसे बढ़िया हुआ कौन व्यवस्था हो फिलहाल जा रहे नंदी कोठा पर ये हुआ देखे थोड़ो जी है अगर हुआ बढ़िया व्यवस्था हो तो हुआ करब ये तो निजी अब हो ही नहीं गए।